Hello students, welcome to online classes of RL Academy. Students, अपना writing chapter चल रहा था और writing chapter में अपन article and speech सीख रहे थे. कुछ topics पर आपको article and speech सिखा चुका हूँ. आज आपके लिए एक नया video लेके आया हूँ, उसमें अपन एक नए topic पर article सीखने वाले हैं. उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी videos मैंने आपको send की है article और speech से related, वो सारी वीडियोस आपने वॉच कर ली होगी. अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो. उन वीडियोस को वॉच करने के बाद आज की जो वीडियो रहने वाली है अपनी, जिसमें अपन आर्टिकल सीख रहे हैं, उस वीडियो को आप वॉच करें और अपनी कॉपी के अंदर नोट करें. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन आर्टिकल सीख रहे हैं उसका टाइटल है आवर पेट्रियट्स आर आवर रोल मॉडल्स, कि हमारे जो देशभक्त है वही कौन है, हमारे रोल मॉडल्स है, हमारे आदर्श है. तो हम इस टॉपिक पर आर्टिकल सीखने वाले हैं. तो आवर पेट्रियट्स, पेट्रियट्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, राष्ट्रभक्त या देशभक्त, कि हमारे जो देशभक्त है, हमारे जो राष्ट्रभक्त है वही कौन है, आवर रोल मॉडल्स, वही हमारे आदर्श है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप एक नया पेज लीजिए और उसके ऊपर ही ऊपर आप क्या करोगे, ये टाइटल कैपिटल लेटर के अंदर आप लिख दोगे और उसको आप अंडरलाइन कर दोगे. उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो टाइटल लिखने के बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में जो आर्टिकल लिख रहा है उसका यानी कि नाम लिखोगे. तो जो राइटर है उनका नाम क्या है, तो यहाँ पे अपन ने लिखा है महेश गुप्ता और वह कहाँ से कौन है, क्लास ट्वेल्थ का है. ठीक है, तो आवर पेट्रियट्स आर आवर रोल मॉडल्स, ये अपन ने लिखा. उसके बाद राइटर लिखा महेश गुप्ता और वह कौन है, क्लास ट्वेल्थ है. अब अपन क्या करते हैं, अपना जो आर्टिकल है वो लिखना स्टार्ट करते हैं. तो देखिए कि एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आवर पेट्रियट्स, कि हमारे जो पेट्रियट्स है, हमारे जो राष्ट्रभक्त है, हमारे जो देशभक्त है, आर द रोल मॉडल्स, वो क्या है, रोल मॉडल्स है, आदर्श है, ऑफ किस का, यानी कि इंडियंस का, यानी जो हमारे जो भारतीय है उन भारतीयों के आदर्श कौन है, हमारे जो राष्ट्रभक्त हुए हैं, हमारे जो देशभक्त हुए हैं वही क्या है, हमारे रोल मॉडल्स है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली लाइन देखिए. अब पेट्रियोटिज़म क्या है, पेट्रियोटिज़म इज़ ए सेक्रेड फीलिंग, पेट्रियोटिज़म मतलब देशभक्ति, देशभक्ति क्या है, इज ए सेक्रेड फीलिंग, पवित्र जो फीलिंग्स निकलती है हमारे अंदर वही क्या है, देशभक्ति है. कहने का मतलब क्या है कि जो बॉर्डर पे खड़ा है कोई पर्सन बंदूक लिए हुए और हमारी रक्षा कर रहा है वही देशभक्त नहीं है, बल्कि हर वो इंसान देशभक्त है जिसके अंदर यानी कि पवित्र भावनाएँ बसती है. पवित्र भावनाएं मतलब अपन कह सकते हैं कि किसी के सुख दुख में यानी कि काम आने वाला व्यक्ति हो, किसी के दुख तकलीफ़ को समझने वाला, फील करने वाला हो, किसी गरीब की सहायता करने वाला अगर कोई पर्सन है तो वो भी कौन है, वो भी देशभक्त है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेट्रियोटिज़म क्या है, इज ए सेक्रेड फीलिंग, यानी एक पवित्र यानी कि भावना है, मतलब दूसरे के प्रति अच्छी भावना निकले, सहानुभूति की भावना निकले, हेल्प करने की यानी कि भावना हो, वही क्या है, देशभक्ति है. और ये जो देशभक्ति है वो क्या करती है, इट टीचेज अस, ये हमें सिखाती है टू लव आवर कंट्री, हमारे देश से प्रेम करना सिखाती है. ये देशभक्ति क्या सिखाती है, हमें हमारे देश से प्रेम करना सिखाती है. एंड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, और ये गले लगाना सिखाती है द होल ह्यूमिनिटी, मतलब पूरी मानवता को. कहने का मतलब क्या है, ये जो देशभक्ति है वो ये नहीं देखती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है या ईसाई है. तो ये देशभक्ति तो क्या सिखाती है, पूरी जो मानवता है उन सबको गले लगाना सिखाती है, देश से प्रेम करना सिखाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगली लाइन देखिए कि वी रिमेंबर मैनी पेट्रियट्स, हम याद करते हैं बहुत सारे देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को, लाइक जैसे कि हमारे देशभक्त कौन हुए हैं, लाइक जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है,
सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, अब्दुल कलाम है, स्वामी विवेकानंद है, एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे यानी कि देशभक्त हुए हैं जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि दे सेक्रीफाइड देयर लिव्स, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया फॉर किस के लिए? इंडियाज़ फ्रीडम, भारत की आज़ादी के लिए। तो ये जो लोग कौन हुए? दे आर आवर रोल मॉडल्स, यही हमारे क्या है, आदर्श है, जो मतलब हमारे खातिर, हमारी देश के खातिर मर मिटे, वही क्या है, हमारे रोल मॉडल्स है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि पहला पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अब नए पैराग्राफ से आप स्टार्ट करोगे। इसलिए वन शुड बी प्राउड ऑफ ऑल आवर पेट्रियट्स, प्रत्येक जने को क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए ऑफ ऑल आवर पेट्रियट्स, कि हमारे जितने भी पेट्रियट्स हैं, हमारे जितने भी देशभक्त हैं, उन सब पे हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, एंड फॉलोइंग देम, और हमें उनका फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हमारे जो राष्ट्रभक्त ने जो जो काम किया, उनकी जो जो नीतियाँ थी, उनका हमें फॉलो करना चाहिए। वी शुड मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स, और हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मेक आवर बेस्ट एफर्ट्स, और हमें अपना बेस्ट एफर्ट्स लगाना चाहिए, बेस्ट प्रयास करना चाहिए, किसके लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे देश के उत्थान के लिए, हमसे जितना अच्छा हो सकता है वो करना चाहिए। और देश का उत्थान बच्चों कैसे हो सकता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी मस्ट बी वेरी सिंसियर, हमें बहुत ज़्यादा सच्चा होना होगा, एंड ऑनेस्ट, और ईमानदार बनना होगा इन आवर ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटी के अंदर, कि अगर हम यानी कि हमारी ड्यूटी बड़ी सच्चाई से और ईमानदारी से करेंगे, तो निश्चित ही हमारा जो देश है उसका यानी कि उत्थान होगा। और हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, वी मस्ट लर्न द डेडिकेशन, और हमें सीखना चाहिए, डेडिकेशन सीखना चाहिए, समर्पण का भाव सीखना चाहिए, फ्रॉम द डीड्स ऑफ आवर पेट्रियट्स, कि हमारे जो पेट्रियट्स हैं, हमारे जो देशभक्त हैं, उनके कार्यों से हमें समर्पण का भाव सीखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे देशभक्त हैं, उन्होंने जो कार्य किए बड़े समर्पित भाव से, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, हमें स्वतंत्रता मिली, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी उन राष्ट्रभक्त के जो कार्य हैं उनसे समर्पण का भाव सीखना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, इंडिया विल सून बी ए सुपर पावर। तो इंडिया शीघ्र ही क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, सुपर पावर कंट्री बन जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आर्टिकल है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आर्टिकल समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर्स कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।